पांच यात्राएं निकली हैं और ये पांचों यात्राएं 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शहडोल पहुंचेंगे तब वहां पर समापन होगा। और इस दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इन पांचों यात्राओं के माध्यम से रानी दुर्गावती जी के जीवन पर उनके बलिदान को लेकर पूरे मध्य प्रदेश के समाज में एक जागरूकता के अभियान के साथ उन्हें सभी लोग सत्ता के सुमन अर्पित करेंगे। आज मैं अगर कहूं कि हमारे लिए आगामी आने वाले 26 और 27 तारीख दो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि 27 तारीख को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और अमेरिका के अंदर भारत माता का परचम फहराते हुए वो भारत जब पहुंचेंगे उसके बाद वो सीधे भोपाल की धरती मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं और एक ऐतिहासिक अभियान मेरा वो सबसे मजबूत देश का दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दुनिया के अंदर विकास के उनके विजन से लेकर वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को काम करने वाले और भारतीय संस्कृति का परचम दुनिया के अंदर फहराने वाला व्यक्तित्व वो बूथ के कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी की अंतिम छोटी इकाई से संवाद भोपाल के अंदर करेंगे। चयनित 3000 कार्यकर्ता जो देश भर के आएंगे जिन्होंने बूथ पर अच्छा काम किया है और 10 लाख बूथों पर माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत और सत्कार के लिए उमंग और उत्साह के साथ एक एक मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता जुटा हुआ है। और आज एक और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जब पधारेंगे तो एक व्यापक और प्रभावी रोड शो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को के अपने प्रधानमंत्री अपने नेता के स्वागत करने का अवसर रोड शो के माध्यम से इस दौरान हमें मिलेगा। तो इसकी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता व्यापक तैयारी के साथ जुड़े हैं। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कल का एक घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम पर मैंने प्रतिक्रिया भी दी थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी उनके कहीं पर कुछ पोस्टर लगे और करपनाथ इस नाम से पोस्टर लगे और उसके अंदर जब स्कैन लोगों ने किया जैसा उस पोस्टर के अंदर उल्लेख हुआ है तो उनकी पूरी इतिहास भ्रष्टाचार का उसमें जो दिखाई दिया इससे बौखला कर उनसे जब ये नहीं देखा गया कि हमारा वास्तविक चीजें हमारे सामने आ गई। मैंने कहा भी था कि कमलनाथ जी और कांग्रेस इसके बारे में सोचे कि ये जो हुआ है कि किन लोगों ने किया कैसे हुआ। और मैं तो पूछना चाहता हूं अभी भी मैं मीडिया के मित्रों के सामने पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी आपके मित्र दिग्विजय सिंह जी ने प्रतिक्रिया नहीं दी इस पर आपके नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने प्रतिक्रिया नहीं दी इसके पीछे आशय क्या है। आपका अंतर्द्वंद आपके यहां बेटों की लड़ाई कहीं इसका शिकार तो आप नहीं हुए लेकिन आपने खींचकर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जिन बातों को पोस्टर लगाने का जो प्रयास किया मैं मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं कि आपके इस प्रकार की हरकत जो कांग्रेस के तथा कथित लोगों ने की दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के इशारे पर मध्य प्रदेश आज विकास का मॉडल है। 2003 का मध्य प्रदेश श्रीमान बंटाधार दिग्विजय सिंह जी और
कमलनाथ जी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 2003 का वो मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, जो सड़क बिजली पानी के लिए लालायक था, पूरा मध्य प्रदेश दुरावस्था के दौर में था, पूरे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर के हर प्रकार का दुरावस्था का दौर था, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया। और जो 15 महीने का अवसर कमलनाथ जी आपको मिला, मैं आज कहना चाहता हूं कि उन 15 महीनों में भी आपने हर गरीब के हक और अधिकार को छीना। भ्रष्टाचार में आप आतंक डूब गए थे। और मैं इसके बारे में अगर आपसे कहूं कि प्रवीण कक्कर और मिगलानी जी के ऊपर छापों के दौरान 281 करोड़ रुपए नकद पकड़े गए। कौन थे ये लोग, कहां से आया था ये पैसा? जो करप्टनाथ शब्द का जिसने भी प्रयोग किया, आपके मित्रों ने किया, आपके लोगों ने किया, जिन्होंने भी किया, आम समाज के किसी व्यक्ति ने किया, तो वो गलत नहीं किया। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश इसका जवाब पूछ रहा है, कहां से आया था पैसा? आपके नेता, चाहे गोविंद सिंह रहे हो, आपके नेता जो उस समय के कैबिनेट के मंत्री थे, उन सब ने ये आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार में ये सरकार आतंक डूब गई और पैसा ऊपर तक जाता है, और वही पैसा 281 करोड़ ऊपर पहुंचा था। मैं कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके नेताओं ने जो आरोप लगाए, कमलनाथ जी आपके सरकार के दौरान 7 बांध और नहर परियोजना के काम शुरू होने से पहले 877 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। काम शुरू होने से पहले 877 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। ई टेंडर घोटाले की आरोपी कंपनी को 244 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और जनसंपर्क विभाग में तो 131 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। ये जो करोड़ों अरबों के भ्रष्टाचार आपकी सरकार के दौरान हुए, श्रीमान कमलनाथ जी जिन्होंने आपको करप्टनाथ कहा वो गलत नहीं कहा, लेकिन मैं आज बहुत सारी बातों का उल्लेख न करते हुए एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपने जिन पोस्टर को लगा करके शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आरोप करने का प्रयास किया है, आपने जिन दीवारों पर पोस्टर लगाए कमलनाथ जी, मैं गर्व से कह सकता हूं वो दीवार विकास की दीवार है जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। आपका पोस्टर उस विकास की दीवार में मलिन हो जाएगा, हो गया। आपने जिन सड़कों पर पोस्टर लगाए वो विकास की सड़क भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के अंदर गांव गांव तक सड़कों का जाल विकास का प्रतिरूप बनकर के खड़ी है, उन पर आपने पोस्टर लगाए, पोस्टर मलिन हो गए, वो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि विकास आपके पोस्टरों से ढक नहीं सकता। आज मध्य प्रदेश के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब आपकी सरकार थी कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सरकार थी, तब आपका 2003 और 2002-03 का बजट था 23,161 करोड़ रुपए। आज मध्य प्रदेश का बजट 3,14,025 करोड़ रुपए। आज इस मध्य प्रदेश का बजट बनकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खड़ा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक जो विकास की दर है, आर्थिक वृद्धि दर में मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान कमलनाथ जी, आपकी सरकार के दौरान जब मिस्टर बंटाधारी की सरकार थी तो 4.43% आर्थिक वृद्धि दर थी, आज
मध्य प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर 16.43% है। इसी प्रकार से आप अगर आगे जाने का प्रयास करेंगे कि राज्य के सकल सफल नीतियों से जो घटा ऋण जीएसडीपी का जो अनुपात है आपके समय में 2001-2002 में 31.6 था, जो घटकर के अब 27.8% हुआ है। और इसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो सकल घरेलू उत्पाद है आपके समय में 71,594 करोड़ था, आज मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 13,22,821 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय आपके समय में जब आपकी सरकार थी तब 11,718 रुपए था, आज मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय 1,40,583 रुपए है। ये विकास का द्योतक है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं कहना चाहता हूं सड़क बिजली पानी आपके शासन काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले इस मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, किसान पानी के लिए लालायित था। आय कैसे बढ़ी? तो सड़क दी। आज बिजली में मध्य प्रदेश सरप्लस है, आंकड़े भी दे सकता हूं। सड़क बिजली पानी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं आपके समय में 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, तो आज मध्य प्रदेश के अंदर 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जो बुंदेलखंड सूखा, जो बुंदेलखंड गरीब बुंदेलखंड कहा जाता था, अब वो बुंदेलखंड कैन बेतवा लिंक परियोजना अटल जी के सपने को पूरा करके 44,605 करोड़ रुपए का केंद्र ने बजट में प्रावधान करके वो बुंदेलखंड अब हरा भरा बुंदेलखंड बनेगा और वो बुंदेलखंड अब समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस दिशा में विकास और भारतीय जनता पार्टी की एक दूसरे के पर्याय बनकर के करें। गरीब कल्याण की योजनाओं में हर गरीब के जीवन बदलने का अभियान, कमलनाथ जी मैं कहना चाहता हूं हर गरीब के सर पर छत देने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने लिया, मध्य प्रदेश में उसका हिस्सा था, आपकी सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश के अंदर आए कमलनाथ जी आपने ये कहकर के वापस कर दिए मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा नहीं है। और लगभग 1.5 लाख घर प्रधानमंत्री आवास के बल्कि संख्या को ज्यादा है उसकी आपने वापस कर दिए। गरीबों के हक को छीनने का काम 15 महीने में इतनी बड़ी संख्या में उन गरीबों का किया था आपने। और इंदौर में आप आईफावाट कर रहे थे जिसमें कई लाखों करोड़ों के प्रावधान करने का आप प्रयास कर रहे थे। अरे किसने आपको अधिकार दिया था गरीबों का हक छीनने का? आज मैं गर्व से कहता हूं पूछना चाहिए, मध्य प्रदेश पूछना चाहता है। आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व, शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी 27 तारीख को 1 करोड़ से ऊपर परिवारों को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार कार्ड देंगे। इससे पहले करोड़ों लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब को पैसे के अभाव में कोई भारत के अंदर से वंचित नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश में करोड़ों परिवारों को संबल देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपने झूठ और छल कपट की राजनीति करके लोगों को किस प्रकार से गुमराह किया था?
आपने किसानों के बारे में कहा था कि कर्ज माफी के लिए आपने एक रुपए किसी किसान का कर्ज माफ नहीं करके किसान डिफाल्टर हो गए थे, पर आज मैं गर्व से कहता हूं वो डिफाल्टर किसान आपके गलत शब्दों का उपयोग करना मेरे नेचर में नहीं है, लेकिन आपके उन प्रयासों से जो किसानों के साथ धोखा किया वो डिफाल्टर किसान हो गए। आज मैं गर्व से कहता हूं आपके वो पोस्टर मलिन कब हो जाते हैं जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके उन कुकृत्यों के कारण जिसमें किसान डिफाल्टर हुए 2100 करोड़ रुपए उन किसानों को डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाकर उन किसानों को संबल देने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। अरे आपने तो लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, आपने तो कन्यादान योजना बंद कर दी, आपने तो हमारे दूरदर्शन योजना आपने बंद कर दी थी, लेकिन आज लाडली बहना योजना में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवल महिला सशक्तिकरण नहीं हर महिलाओं के हाथ मजबूत करते हुए समाज का सशक्तिकरण किया है कि 1,25,00,000 महिलाओं को बहनों को 1,000 रुपए उनके खाते में चला गया है, आश्वासन नहीं है चला गया है। अब जो शेष बचे थे उसमें कुछ नई श्रेणी भी जोड़ दी है, कोई 21 साल की बेटियां हैं, फिर जो ट्रैक्टर जिनको ट्रैक्टर के कारण से रुकनी थी उनको भी दे दिया है, अगले फेज में उनको भी मिलेगा, और इसमें 1,999 ही गया है। कमलनाथ जी मैं पूछना चाहता हूं आपकी सरकार में आपके नेतृत्व में ऑफिसरी भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है, आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया भेजते 85 पैसे दलाल बिचौलिए खा जाते, भ्रष्टाचार में चला जाता, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता, इस भारत के अंदर इस व्यवस्था को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। अब 999 नहीं 1,000 ही खाते में जाता है, दलाल बिचौलिए समाप्त हो गए, गुड गवर्नेंस सेवा का भाव और गरीबों का जीवन बदलने का अभियान आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विकास इस मध्य प्रदेश के अंदर एक दूसरे के प्रतिरूप है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसे आपके पोस्टर ये मध्य प्रदेश की जनता आपने प्रतिक्रिया में आपने खींच में जो काम करने का प्रयास किया यह दुर्भाग्यजनक है और मध्य प्रदेश के विकास का अपमान करने का प्रयास किया है। ये मध्य प्रदेश की जनता बूथ बूथ पर आपको इसका जवाब देगी, केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जिन गरीबों का जीवन बदला है, जिन गरीबों के चेहरे पर खुशी आई है, जिन बहनों के चेहरे पर खुशी आई है, ये सब आपको इसका जवाब देंगे कि आपने जो हरकत की है या आपके लोगों ने जो हरकत की है ये दुर्भाग्यजनक है, मध्य प्रदेश का विकास रुकेगा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार इस विकास गति को और आगे बढ़ाएगी, ये बहुत कॉन्फिडेंट होकर के विश्वास के साथ कहते हैं। कमलनाथ जी तैयार रहिए इसका जवाब पाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दुर्भाग्य है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व को जो इस प्रकार की वो बेटी उनको दादा कह रही है और हरिशंकर भसैन जी उसको लाड़ प्यार कर रहे हैं और उसको किस्मत में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। बस इसके ऊपर कंप्लेंट भी हो रही है, FIR भी होगी, ये कोई तरीका है? इतना इतने नीचे चले गए आप? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जवाब देना चाहिए आपको, अगर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बारे में इन बातों को निकालिए तो क्या होगा मध्य प्रदेश के अंदर? आग लग जाएगी, ये ठीक बात नहीं है। आग लगने का अर्थ मेरा दूसरा है, मैं कह रहा हूं ना कि